नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7। नया सीजन नया रीजन टू टोन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आपको हमारे पिछले सेशंस पसंद आ रहे हैं, आज का सेशन भी उसी तरह से बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हम ईच डे हर डे आपको एक ऐसे ऑथर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो अपनी राइटिंग जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं, इसके साथ साथ में आपको इंस्पायर करते हैं अपनी जर्नी के थ्रू। तो उसी तरह से आज जो ऑथर इस प्रोग्राम में हमारे साथ इन्वाइटेड है, उनकी दो बुक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इनकी जो फर्स्ट बुक है दैट इज फिक्शन बुक, एक फिक्शन बुक है, एक स्टोरी है जो कि महिला प्रधान है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ में एक और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर आज बुक पे हम चर्चा करने वाले हैं, दैट इज साड़ी। जी हाँ, साड़ी पर बेस्ड एक बुक है जिस पर हम बातचीत करेंगे, और आई एम श्योर जितने भी ऑडियंस हमें अभी सुन रही है जो साड़ी लवर्स हैं, वो इस इवेंट को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप साड़ी को पसंद करते हैं और इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स आज आपको जरूर सुनने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे जो आपके लिए नए होंगे, और साड़ी पहनावे को आप और भी ज्यादा अच्छे से जानेंगे। कितने ही फैशन आए, कितने ही फैशन चले गए, लेकिन दोस्तों आप इस बात से अग्री करेंगे कि साड़ी का फैशन कभी भी नहीं जाता। सो बातचीत शुरू करते हैं हमारे आज के ऑथर से इन दोनों बुक्स पर। इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन शुरू करें, हमारे ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाएं। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रही है, शी वॉज बॉर्न इन कोलकाता एंड रेस्ड इन न्यू दिल्ली। शी हैज डन ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड MBA फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। लेटर शी ज्वाइन द सर्विस सेक्टर इन द बैंकिंग डोमेन एंड सर्व देयर फॉर ओवर अ डेकेड। शी इज एंथुजियस्ट फॉर हर ट्रांजेक्शन फ्रॉम बींग एन ऑथर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हमारे आज की गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है आनंदिता। हेलो, गुड इवनिंग आनंदिता, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, और स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड दोनों बुक्स के बारे में बातचीत करने के लिए, स्पेशली अगर महिला प्रधान, दोनों ही बुक्स महिला प्रधान है, एक है फिक्शन स्टोरी और एक है साड़ीज, तो जो कि महिला से ही रिलेटेड है। सो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस बहुत कुछ जानना चाहेंगी इन दोनों किताबों के बारे में। तो इससे पहले कि हम आपके साथ डिस्कशन शुरू करें, आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए और इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है, ये प्लीज शेयर कीजिए। जी, जरूर। सबसे पहले बताऊंगी, इस प्रोग्राम से जुड़कर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो एक होता है ना, एक इनिशियली एक झिझक होती है, बट अभी वो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि आई एम देयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं आपसे बात कर पा रही हूँ और मैं अपने रीडर से भी जुड़ सकती हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आगे मैं अपने बारे में जो बताना चाहती हूँ तो शुरुआत करती हूँ। मेरा नाम अनिंदिता गोस्वामी मुखर्जी है। सो इट्स अनिंदिता गोस्वामी मुखर्जी, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग नेम। तो मैंने अपने ऑथर्स के लिए नाम छोटा करके रखा है, अनिंदिता जी। सो जी एज इन द फर्स्ट लेटर ऑफ माई मेडन सरनेम, दैट इज गोस्वामी। तो थोड़ा आसानी होगा अनिंदिता जी जी बोलने में, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं कोलकाता से हूँ, और मैं यहाँ पे एज अ राइटर आई हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, आई एम अ कम्युनिकेशन ट्रेनर, एंड प्रायर टू दिस आई वॉज अ बैंकर, जैसा कि आपने बताया। मेरी अर्ली लाइफ के बारे में अगर बताऊँ तो आई वॉज बॉर्न इन कैलकटा बट आई वॉज रेज्ड इन न्यू डेली, एंड मोस्ट ऑफ माई एडुकेशन, मोस्ट ऑफ माई फॉर्मेटिव ईयर्स आई स्पेंट देयर। तो मेरी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ वहीं से हुआ है। और रिसेंटली मैंने IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से भी एक अपस्किलिंग कोर्स किया है, क्योंकि मुझे लगा था मुझे अपने एक छोटा सा बिजनेस वेंचर है उसमें भी मैं कुछ उसके में काम में आ सकता है, ऐसा सोच के मैंने किया था। सो दैट इज दैट। सो आफ्टर आई लेफ्ट माई जॉब फ्यू ईयर्स अगो ड्यू टू सम आई मीन आई लेफ्ट माई बैंकिंग करियर ड्यू टू सर्टन पर्सनल रीजन, आई वेंचर्ड इन टू अ स्मॉल बिजनेस, बट देन दैट डिड नॉट गो वेल।
सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज क्या हुआ, तभी कोविड आ गया. उसके बाद व्हाट हैपेंड, आई थॉट कि अब आफ्टर दैट कोविड 2 इयर्स का जो गैप था, उसके बाद व्हेन एवरीबडी वाज नॉर्मलाइजिंग देयर लाइफ, सो देन वो मेरे लिए एक रेजिलियंस का टाइम था कि आई हैड टू कम बैक. तो राइटिंग वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई कुड थिंक ऑफ, एंड दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ ट्रांजिशन इन टू अ पब्लिश्ड ऑथर. अब राइटिंग पहले से ही करते थे, बट दैट्स हाउ आई टर्न टू दैट. तो बारे में भी आगे बात करेंगे, कैसे हुआ, हम कैसे इधर तक एब्सोल्युटली. आए, ऑल ऑफ दैट. आई एम श्योर सो आनंदिता कि आपकी दैट्स लाइफ में रीडिंग और राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. आप भी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए कि इन हैबिट्स ने आपकी लाइफ को कितना चेंज किया है, कितना इम्पैक्ट डाला है. एब्सोल्युटली. रीडिंग एंड राइटिंग इज इंस्ट्रूमेंटल टू बिल्डिंग द पर्सोना दैट आई एम टूडे. ओके, ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है एक्सप्रेशन का, ठीक है, क्योंकि आप अगर, बहुत लोग होते हैं कि बोलने में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन लिखना वो एक हाँ कंफर्ट जोन देता है आपको. आप जी सोचते हैं फिर लिखते हैं, आपको एडिट करने का मौका मिलता है. बोलने में वो होता है कि वो बहुत स्पॉन्टेनियस होता है. आप अगर बोलते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, आप उसको एडिट करने का आपको मौका कम मिलता है. लेकिन लिखने में यू थिंक एंड यू क्रिटिकली, आप जो एक क्वेश्चनिंग स्किल्स होता है, आप सोचते हैं बहुत, तो वो बहुत आसानी होता है. तो मेरे लिए ये बचपन से ये एक जरिया रहा है एक्सप्रेस करने का, क्योंकि मैं बचपन में इतना बात नहीं करती थी जितना मैं अभी आपके साथ इतने अच्छे से बात कर पा रही हूँ, या किसी के साथ भी कर लेती हूँ. ओके मैं छोटे में इतना बात नहीं करती थी, तो उसका कारण भी ये है कि जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, तो नो सिबलिंग्स जैसे होते हैं अपने भाइयों के, उनका अपना सर्कल होता है. हम अकेले थे, सो आई हैड टू ब्रदर्स, आई मीन आई स्टिल हैव टू ब्रदर्स, बट दे हैड देयर ओन सर्कल्स एंड आई राइट वाज द ओनली गर्ल. सो क्या होता था कि मम्मी के पास जाके बहुत सवाल करते थे. मैं इंक्विजिटिव बहुत थी, बहुत सवाल करती थी, तो मम्मी जितना जवाब दे पाती थी तो वो दे देती थी. उसके बाद मम्मी भी परेशान हो जाती थी, फिर बोलती थी अच्छा एक काम करो, तुमको जो भी सवाल आ रहे एक जगह नोट करो. एंड देन शी यूज टू इंट्रोड्यूस मी सम रेलिवेंट बुक्स और मे बी रीडिंग मटेरियल्स कि इसको पढ़ो, ओके शायद तुमको इससे जवाब मिल जाए. तो दैट्स हाउ शी इनकल्केटेड दैट हैबिट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन टू मी इन अ वेरी एट ब्यूटीफुल. अ वेरी टेंडर एज. सो दैट्स हाउ आई वुड से दिस रीडिंग एंड राइटिंग हैज बीन वेरी हेल्पफुल इन बिल्डिंग दिस पर्सन ऑफ व्हाट आई एम टुडे. एंड ऑफ कोर्स रीडिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इंसान का बेस्ट फ्रेंड होता है, वो हमेशा से होता है, मतलब आज के डेट में भी है, जबकि हमारे पास सोशल मीडिया है, लोगों को मतलब एंटरटेनमेंट के बहुत ज्यादा बहुत सारे साधन है, लेकिन फिर भी आई पर्सनली थिंक कि बुक्स आर द बेस्ट. ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा सोशल मीडिया में रहते हैं तो स्क्रीन टाइम भी बढ़ता है. एक टाइम में मैं भी बहुत ई बुक्स पढ़ती थी, बट अगेन आई हैव स्विच्ड ऑन टू फिजिकल बुक्स क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है. जी तो इसके अलावा हाँ, और हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तब इतना तो एंटरटेनमेंट का साधन था नहीं, टेलीविजन में 2 ही चैनल्स आते थे और टेलीफोन घर में होना मतलब दैट वॉज अ लग्जरी, किसी के साथ यस फोन पे भी बात करे तो वो भी नहीं हो पाता था. तो हम बुक्स ही पढ़ते थे ज्यादा, तो बचपन में वही पढ़ते हुए आए हैं, तरह तरह के बुक्स. आई कम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली, तो बंगाली बुक्स बहुत पढ़ते थे, इंग्लिश बुक्स भी पढ़ते थे. तो दैट्स हाउ. सो रीडिंग एंड राइटिंग बहुत मुझे, मतलब मेरे लिए बहुत इंस्ट्रूमेंटल है, मेरे को बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है. एब्सोल्युटली. आनंदिता, आपने एक बहुत ही बढ़िया एक आइडिया दिया है आई एम श्योर बातों ही बातों में. जैसा आपने बताया कि बचपन में आपकी मदर आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक बुक रेफरेंस में देती थी कि आप इसको पढ़ो, क्योंकि बचपन में हमारे पास टाइम बहुत होता है और क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं, और उस टाइम पे हम और बच्चे उस टाइम पे बच्चों बच्चे जो है वो मदर की या बड़ों की बात भी जल्दी मान लेते हैं, बजाय कि हम जब बड़े हो जाए तब माने. और अगर हम ऐसा अभी करते हैं या आज के बच्चों में हम ये रीडिंग राइटिंग की हैबिट डालना चाहते हैं, तो ये तरीका बहुत ही मुझे एक काबिले तारीफ लगा कि आप बच्चों के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए जहां तक आप दे सकते हैं आपको देने चाहिए. लेकिन अगर आपके पास सेटिस्फाइड आंसर नहीं है तो ये नहीं कि आप उसको मना कर दे क्वेश्चन करने के लिए या फिर डांट दे, इसके बजाय अगर आप उनको बुक बुक्स की तरफ उनका रुख कर दें कि आप ये पढ़ो आपको अपने आप आंसर मिलेगा, तो शायद उनको अपने 2 क्वेश्चंस की जगह 4 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए जो शायद वो नहीं पूछने वाले थे, और वो उनके एक एक है एक एक फ्रेंड की तरह बन जाएंगी बुक्स की. हाँ, मुझे यहाँ से सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे. ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों. अगर आप भी इसको
अपनाते हैं जीवन में, बच्चों में स्पेशली आप रीडिंग की हैबिट अगर डालना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपना सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप से शुरू कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर आप खुद दीजिए, और ज्यादा इलेबरेट करने के लिए बुक्स के रेफरेंस दीजिए, तो वो बुक्स की तरफ जरूर जाएंगे और एक इंटरेस्ट के साथ जाएंगे, उनको बोर नहीं लगेगा वो। राइट। सो आनंदिता, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी इन बुक्स की राइटिंग जर्नी कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, प्लीज ये बताइए। राइटिंग जर्नी एज अ राइटर, मतलब मैं तो बचपन से, जैसे मैंने बताया आपको कि लिखने की एक आदत बन गई थी, तो छोटे में जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत बात तो इतना नहीं करती थी, लेकिन इंक्विजिटिवनेस बहुत था, और अगर कोई चीज अच्छा लग जाए, कोई चीज बुरा लग जाए या कुछ एक्सप्रेशन है, तो वो सारा कुछ मैं डायरी में नोट करती थी, डायरी में लिखती थी, और अच्छा, मैं काफी डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखती थी, मतलब इतना विविडली उसको डिस्क्राइब करती थी कि कोई इसको पढ़ ले तो उसको विजुअलाइज भी कर सकता है कि वो हो क्या रहा है, इवन द अच्छा इमोशन। तो मतलब इन दैट वे आई वुड से आई एम नॉट बोस्टिंग, बट मे बी एकेडमिकली आई वाज क्वाइट गुड इन रीडिंग एंड राइटिंग, कि ओके एसेज लिखना हो तो मैं अच्छे से लिखती थी, बट फिर ऐसा नहीं सोचा था कि हम कभी बड़े होके राइटर बनेंगे। ठीक है, तो बड़े होके जैसे कि हमने एमबीए की, उसके साथ रेलिवेंट जो भी बैंकिंग का काम किया वैसे किया, चलो चलते गए। उसके बाद जब मैंने छोटा सा एक एंटरप्रेन्योरियल अपना वेंचर स्टार्ट किया, तो उसके बाद थोड़ा सा सेटबैक आया क्योंकि कोविड आ गया, तो उस टाइम में तो बहुत सबके पास टाइम था, मतलब वैसे तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन रहा सबके लिए, तो राइट जैसे हम उसको जी रहे थे उस टाइम पे ही, तो उसमें भी तब हम वो लिखने का जो मेरा एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, मैंने बोला था कि वो ही मेरा इजीएस्ट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, तो हम लिखते थे। तो तब मतलब मेरे हस्बैंड ने तब बोला था कि तुम इतना अच्छा लिखती हो, व्हाई डोंट यू ट्राई यू नो पब्लिशिंग सम ऑफ योर स्टोरीज। तो तब ऐसा है कि तब थोड़ा अप्रिहेंशन भी रहता है कि अपनी डायरी में जो लिखते हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ कुछ लिखते हाँ हैं, वो कैसे हम किसी के साथ शेयर करें, हाँ वो एक प्रेजेंटेशन की एक बात आती है कि कैसे हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये भी इसकी सोचने वाली बात है कि हम तो, क्योंकि पहले से कभी हमने सोचा हुआ नहीं था कि हमको राइटर बनना है, तो आई डिडंट नो एनी पब्लिशर ऑल्सो, सो देन ड्यूरिंग दोज लॉकडाउन पीरियड ओनली आई वॉज यू नो एक्सप्लोरिंग। सो ऐसे करते करते आई लैंडेड अप हियर विद योर अध्ययन बुक्स इन आई थिंक 2021 और समथिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, एंड इन 2022 आई केम एंड जॉइंड योर कंपनी, आई मीन नॉट कंपनी एज सच, योर एसोसिएशन, मतलब राइट आप लोगों से मैं जुड़ पाई हूँ। और तभी जैसे थोड़ा थोड़ा लिखते थे, तो तभी मतलब वहां सोचा से कि तब शुरू हुआ। लिखेंगे, ओके पब्लिश ओके करेंगे। जी सो जी आनंदिता, किसने आपको मोटिवेट रखा, किसने आपको हेल्प की थ्रू आउट इस जर्नी में आपकी? अच्छा, एक तो होता है कि मोटिवेट हम किससे होते हैं या मोटिवेट किसने बाहर से किया। अच्छा, मोटिवेट हम किससे होते हैं, अगर मैं वैसे बोलूं लाइक हाउ वी आर इंस्पायर्ड, सो राइटिंग का इंस्पिरेशन तो जैसे मैंने बताया अपने पेरेंट्स से ही मिली हुई है मेरे को। जैसे मेरी मम्मी ने बचपन में मुझे ये आदत, मतलब इस आदत में डलवा दिया था। उसके बाद माई फादर इज ऑल्सो लाइक अ वोरेशियस रीडर, और एक ही से इज एन आर्डेंट राइटर, वो भी लिखते हैं, लेकिन हाँ ऐसे बुक्स पब्लिश नहीं करते, वो अपना उनका एक अपना ब्लॉगिंग पेज है, वहां पे वो लिखते हैं। ही यूजली राइट्स ऑन रिलीजन एंड फिलोसॉफी एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि वो रिटायर्ड है तो इन सब में लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अगर उनकी तरह थोड़ा सा भी लिख पाऊँ, बट हाँ मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखती हूँ, नॉट एट पर हिज लेवल ऑफ राइटिंग। और किसने मुझे मोटिवेट किया, जैसे कि मैंने बताया मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले बताया था कि यू शुड राइट योर यू नो समथिंग इन बुक्स बिकॉज आपकी राइटिंग की क्वालिटी अच्छी है, और उन्होंने ही मुझे बराबर से मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मोटिवेट किया है मतलब ऐसा नहीं कि आइडियाज देना या कुछ है, वो तो हम ही अपने हिसाब से लिखते थे, बट कभी कभी होता है जैसे राइटर्स ब्लॉक जैसे हम लोगों को हो जाता है, यू नो कभी हम नहीं लिख पाते, जब एक वो टारगेट हो जाता है कि मुझे पब्लिश करना है बुक, तब वो एक होता है कि अब तो लिखना है, और तब वो टाइम फ्रेम होता है, तब हाँ हम लोगों को कभी कभी लगता है कि नहीं लिख पा रहे, वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैं चाह रही हूँ, तो उस टाइम पे वो मोटिवेट करना, साथ में एक एक मॉरल सपोर्ट देना, तो वो ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड ने ही दिया, मिस्टर मुखर्जी ने। ओके सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम आनंदिता की किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ इनके हस्बैंड को। नेक्स्ट
हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मॉर्निंग मैम। हेलो जी सर, सर हम बात कर रहे हैं आनंदिता से, और इनका कहना जी। है कि इनकी राइटिंग जर्नी में इनको आपने काफी सपोर्ट किया है, काफी मोटिवेट रखा है, एक पुश दिया है, और पब्लिशिंग के लिए आपने इनको इंस्पायर किया। आप क्या कहेंगे इनकी किताब के बारे में? कि मैं उनका राइटिंग पढ़ा था तो मुझे क्वालिटी काफी अच्छा लगा। तो मुझे लगा वो इसको इनहेल कर पाती हैं, लोगों से जुड़ पाती हैं और अपने फीलिंग्स को बता पाती हैं इन एनी सब्जेक्ट, इन एनी इवेंट, कोई भी बात है। तो शी मैंने ये उनके लिए भी अच्छा है, जो अच्छे रीडर्स हैं उनसे भी जुड़ पाएंगे। तो ये सारा कुछ को देख के मैंने लगा, मैं काफी बार बात किया था एंड एज ए स्टूडेंट अच्छी थी, तो उस हिसाब से भी थोड़ा क्या एक तो बैकग्राउंड आ जाता है, घर में भी अच्छा वो लिखने पढ़ने का वो माहौल था। तो सारा कुछ को देख के मुझे लगा कि नहीं, शी शुड कंसंट्रेट मोर ऑन राइटिंग एंड कन्विंग पीपल, मतलब लोगों से जुड़ना। ऐसा नहीं कि खाली ब्लॉग्स बनाना या डायरी में लिखना, सो दैट उनको भी एक नया कुछ करियर मिले जो कि उनका बिजनेस में भी हेल्प करे, एंड अगर राइटिंग को आगे लेके जाना चाहती हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये सारा कुछ देख के मुझे लगा कि आई शुड मोटिवेट हिम हर एंड रेस्ट इज ऑब्वियसली इट्स टोटल हिज टैलेंट एंड एक्सप्लोरेशन। तो जी, ये सारा कुछ अच्छा आपको लगा। आपको कितना चेंज फील होता है आनंदिता में आफ्टर बिकमिंग एन ऑथर? ऑथर बनने से पहले वाली आनंदिता और उसके बाद वाले आनंदिता, क्या फर्क महसूस होता है? फर्क तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट नाउ आई थिंक शी फील वेरी हैप्पी। मतलब वो अपने बात लोगों तक पहुंचा पा रही है, उनको लग रहा है कि शी इज समथिंग। इतने बड़े देश में इतने अच्छे लोगों के साथ जुड़ना, बात करना, लोगों से कुछ अप्रिसिएशन मिलना, ताकि आगे का उनका काम में भी बढ़ोतरी मिले, क्वालिटी और अच्छा आए, और ऑन द वे उनका एक्सपीरियंस उनका फर्दर जर्नी में हेल्प करें। तो ये सारा कुछ, शी फॉलो हर ड्रीम, तो दिस फील गुड फैक्टर। जी अनुतोष जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना टाइम हमारे लिए आपने थैंक निकाला यू आपके थैंक लिए, थैंक यू सो मच। यू थैंक यू थैंक यू। ऑल राइट, सो नाउ आनंदिता, हम आपकी दोनों बुक्स के बारे में जानना चाहेंगे। प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए इसके क्या टाइटल्स हैं और क्या प्लॉट है इन बुक्स का। ओके, एक्चुअली मेरी पहली बुक है जो नॉन फिक्शन बुक है, साड़ी फैक्ट्स, सोशल स्टडीज ऑन साड़ीज। ठीक है, वो मेरी पहली बुक है जो 2022 में पब्लिश हुई थी। और वो बेसिकली एक नॉन फिक्शन बुक, जैसे मैं बता रही हूँ, इट गिव सम इनसाइट्स इनटू दी वेरियस एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ साड़ीज। हम सोशल स्टडीज से ये समझते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स क्या है, तो ये सब एस्पेक्ट्स हैं साड़ी के बारे में, मैंने वही लिखा था। और ये क्यों मैंने लिखा था ये शायद मैं आपको थोड़ी देर बाद में बता पाऊंगी। ठीक है, आगे चलते। तो मैंने तब यही मेरा पहला बुक है, और तो दूसरा बुक है वो फिक्शन बुक है, वो एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के ऊपर है। देयर आर टू प्रोटैगनिस्ट्स, और वो कैसे, मतलब दे आर फ्रॉम टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ठीक है, और उनका एज ग्रुप भी अलग है, फिर भी वो कैसे एक होते हैं एट अ वेरी कॉमन पॉइंट, कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट, दैट इज साड़ीज। और फिर उनकी दोस्ती भी बढ़ती है, मतलब साड़ी एक ऐसी कॉमन थ्रेड है जो डिफरेंट एज, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को भी जोड़ता है, और वो दोनों कैसे एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी है जो सेकंड बुक है, मैं उसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो रिसेंटली मैंने उसको अभी अप्रैल 2024 में वो पब्लिश हुआ है, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दोनों हैं जिसके बारे में मैंने लिखा है, उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। तो ये दोनों मेरी बुक्स हैं और दोनों और साड़ीज के ऊपर है। ओके, सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आनंदिता से उनकी बुक्स के बारे में, और जान रहे हैं कि इन बुक्स के पीछे की जर्नी क्या रही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर आप इन टॉपिक से रिलेटेड अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ जुड़िए, और वहां पर आप अपने कमेंट्स, अपना व्यू, अपना मत शेयर कर सकते हैं। सो आनंदिता, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, साड़ी को लेकर के इतना इंटरेस्ट, इतना पैशन कैसे? जी हाँ, आप तो ये कह ही सकते हैं कि साड़ी तो हर एक भारतीय नारी को बहुत पसंद है, तो पसंदीदा इसमें ऐसी पसंदीदा क्या बात है पहनावा कि है आपको, सबसे ज्यादा। हाँ आपने इसको बुक में क्यों लिख डाली, ऐसी क्या बात हो गई। हाँ, तो थोड़ा सा एक्चुअली एक इमोशनल बैकग्राउंड है इसके पीछे।
जैसे कि मैंने कहा, मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा, सभी होते हैं अपने मम्मी पापा से जुड़े हुए बहुत ज्यादा। तो मेरे साथ एक कुछ इंसिडेंट हुआ था, बहुत पर्सनल है पर शायद मुझे यह शेयर करना पड़ेगा। सो इनिशियली मुझे साड़ीज पसंद तो थी, मम्मी की साड़ियाँ पहनती थी, मम्मी की साड़ी कलेक्शन बहुत पसंद होती है, सबको होती है। बट मैं खुद बहुत झिझकती थी साड़ी पहन के पूरा दिन काम करने में एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ जब मेरी शादी हुई, आफ्टर सून आफ्टर माई मैरिज, विद इन आई थिंक 19 और 20 डेज माई मदर एक्सपायर्ड। तो ऐसे में क्या होता है, जब लड़की की नई नई शादी होती है, इवन इफ यू हैव ऑल यू नो कंपैशनेट पीपल अराउंड यू, यू ऑलवेज वॉन्ट योर मदर टू फॉल बैक ऑन बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग इन योर लाइफ। तो तब ऐसा होता था, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था वो, क्योंकि माई मॉम वॉज नॉट देयर अराउंड मी और अराउंड मी। तो आई हैड अ फीलिंग कि वेन एवर आई यूज टू विजिट माई पेरेंट्स हाउस, मैं मॉम की जो साड़ीज की कलेक्शंस होती थी, मैं उनको ऐसे आई यूज टू फील दैट माय मॉम इज अराउंड। तो ऐसा मैं बहुत सालों तक करती गई, व्हेनेवर आई यूज टू विजिट माय पेरेंट्स हाउस, आई यूज टू टच एंड फील माय मॉम साड़ीज, और उनको जो भी उसको मेंटेनेंस के लिए जैसे करना चाहिए, यू नो सब धूप में रखना या गिविंग नेफ्थलिन बॉल्स और डूइंग ऑल ऑफ द केयरिंग थिंग्स। तो वो एक इमोशनल सा मतलब चीज हो गया मेरे लिए बहुत ज्यादा। तो क्योंकि वो व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि वो तुरंत मेरी शादी के बाद ये घटना घटी, तो एक वो ट्रांजिशन फेज में व्हेन आई डिडंट गेट माय मदर, सो आई ओनली हैड दो साड़ीज, तो वो ही मेरे लिए एक ट्रेजर जैसा था। ठीक है, तो वो एंड इनफैक्ट जब मैंने मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि आई एंटर इनटू अ बिजनेस वेंचर, सो आफ्टर आई लेफ्ट माय बैंकिंग करियर, तो आई एक्चुअली एंटर इनटू अ साड़ी स्मॉल साड़ी बिजनेस। एंड क्योंकि आई वाज इनएक्सपीरियंस्ड इनटू बिजनेस, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च तो जरूर किया था, बट वो जैसे कि लॉकडाउन आ गया तो आई कुड नॉट रन दैट। ठीक है, तो उसके बाद मैंने फिर यही सोचा कि मैंने जो भी रिसर्च किया है, मेरा तो अभी नहीं चला, मे बी आई विल कम बैक विद दिस इन सम लेटर इयर्स, बट जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैंने रिसर्च किया है, आई वॉन्ट टू पुट दैट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, एक छोटा सा हैंडबुक ही सही। हो सकता है कि जो लोग साड़ी एंथुजियास्ट हो, या जो साड़ी अगर एंटरप्रेन्योर भी कोई हो, तो जो मेरे जैसे सोच रखते कि मुझे साड़ी पसंद है, मैं साड़ी का बिजनेस करूं, तो थोड़ा सा उनको भी मदद मिल जाए। तो एब्सोल्युटली दैट्स द रीजन व्हाई आई पुट, आई बेसिकली कोलेटेड ऑल दैट इंफॉर्मेशन आई गैदर्ड एंड आई पुट इट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। एंड अच्छा भी लगता है, मतलब किसी एक मतलब रिव्यू में, किसी एक ही इज अ साड़ी मर्चेंट, उन्होंने ऐसा लिखा है रिव्यू में कि दिस इज सच अ गुड हैंडबुक। तो मैंने जिसके लिए एक्चुअली लिखा, ऐसे किसी इंसान के हाथ ये बुक जाके पहुंचा है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। एक इंसान भी अगर कह दे कि मेरे को काम आया, तो आई वाज सो हैप्पी एट दैट, दिस इज वन एब्सोल्युटली थिंग। तो ओके। और अगर साड़ी के ऊपर बाकी जी सेकंड बुक की अगर हम बात करें, जो आपकी फिक्शन बुक है, आपने बताया कि इसके दो प्रोटोकॉल्स हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, थोड़ा सा आप आइडिया देंगे कि क्या है उनका उनका कैरेक्टर कैसा है? जी, तो इसमें दो प्रोटेगोनिस्ट है, एक है एक थोड़ी मतलब शी इज अ होम मेकर, शी इज अ सीनियर सिटीजन है, और दूसरी जो प्रोटेगोनिस्ट है शी इज अ वर्किंग प्रोफेशनल। अब कौन से प्रोफेशन में है वो बुक मैं पढ़ने बोलूंगी रीडर्स को, और उसका वो भी काफी मतलब शी इज अर्निंग एंड शी इज यंग, बट फिर दोनों का ही कहीं ना कहीं जाके एक जगह ये मिलते हैं दैट दे वांट सम काइंड ऑफ ट्रांजिशन। तो ये जो स्टोरी है एक मतलब क्या बताओ कि वो अपने कन्फाइंड स्टेट से एक मोर लिबरेटेड स्टेट में पहुंचते हैं। ठीक है, वो कैसे कि हम लोग ज्यादातर जाने जाते हैं, या बहुत महिलाएं जाने जाती हैं, कि किसी की बेटी, किसी की मम्मी, किसी की वाइफ, सो वी मोस्टली विमेन आर, आई मीन बिकॉज ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, बहुत दिनों से ऐसी कंडीशनिंग है कि वी आर नोन बाय द मेल काउंटर पार्ट्स। ठीक है, अब समय ये आ गया है कि उनको लगता है, या बहुतों को लगता होगा, कि अब मुझे अपना आइडेंटिटी तैयार करना है। तो वहीं से लाइक फाइंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ एंड उसके तरफ काम करना, कैसे उसके तरफ बढ़ना, और वो कैसे उस सपने को साकार करना, उसी की कहानी है। और उस दौरान जब ये करते हैं, मतलब अपना
ये एक साड़ी का बिजनेस करते हैं दोनों मिलके, और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। वो चैलेंजेस को कैसे वो कम्बैट करते हैं, उसमें एक रेजिलियंस की भी कहानी है। तो इट्स लाइक फाइंडिंग योर पर्पस एंड ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस, राइट। एंड ओवरऑल आप कह सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की भी कहानी है। जी बिल्कुल। आपकी जो फिक्शन बुक है उसको देखने के बाद या उसको समझने के बाद, जैसा आपने बताया, ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं आप दर्शा रही हैं उसमें, उसको लेकर के आना चाहती हैं। तो एक इस कहानी में एक होम मेकर है, एक हाउसवाइफ है, या उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप में जाना, एक बिजनेस करना, इस पूरे खुली फील्ड में कदम बढ़ाना कितना ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बुक के लिए या इन जनरल आप बोल इन रहे हो? जनरल भी अगर हम क्योंकि बात मैं करें। हाँ हाँ तो इन जनरल देखिए, अगर बहुत होम मेकर्स हैं अभी तो सारे, मतलब वी ऑल आर एडुकेटेड, एडुकेशन बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन एडुकेशन के बाद उसको जो हम उसका आउटपुट देने के लिए वो ऑप्शन उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऊपर से क्या है, ऑल द वीमेन द होम मेकर्स दे डिस्पाइट देयर मैनेजिंग देयर हाउस, तो उनको तो ये भी लगता होगा कि वेयर टू यूटिलाइज माई नॉलेज, ठीक है। होम घर का काम संभालना वो तो एक हो गया लाइफ स्किल, ठीक है, वो कर लेते हैं। और कई बार ये भी होता है इतना करने के बाद वो थैंकलेस जॉब जैसा ही रह जाता है, तुम करती क्या हो, ये भी बहुतों को सुनने पड़ जाता है, ठीक है। मोस्ट तो ऑफ यही होता है। हाँ या तो उसके बाद तो सबको अपना एक जो आइडेंटिटी तैयार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये एक एक फियर फैक्टर भी होता है कि बच्चे हैं तो बच्चे भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आप करते क्या हो, अगर यही बात दूसरों से सुनना पड़ जाए तो ऑब्वियसली। तो एक वो आउटलेट भी ढूंढते हैं कि मैं अपने नॉलेज को कहाँ यूज करूँ, राइट। तो और एक्सपेंसेस भी इतने बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली अभी एक के चलते तो होगा नहीं, एक के अर्निंग से तो एवरीबडी वुड लाइक टू यू नो शेयर और कॉन्ट्रीब्यूट टू द फैमिली एक्सपेंसेस, तो ये भी एक सोच है। तो होम मेकर्स तो अभी बहुत क्या हो गया, बहुत होम मेकर्स दे टर्निंग इनटू एंटरप्रेन्योर्स, जिनके जो भी स्किल्स है वो स्किल्स को वो उसको इनकैश करते हैं या उसको मोनेटाइज करते हैं। जैसे अगर कोई मान लीजिए अच्छा कुकिंग करते हैं तो या तो वो अपने कुकिंग का कुछ यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसमें वो एक मोनेटाइज करते हैं, या फिर वो अपने एक क्या बोलते हैं क्लाउड किचन खोलते हैं। अगर कोई फैशन एंथुजियास्ट है तो वो लोग फैशन एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी हो जाता है होम मेकर्स को, ये मतलब चैलेंजेस नहीं बोलना ही, वो सोचते क्या, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ क्योंकि आई हैव बीन इन बोथ द रोल्स। मतलब मैं ज्यादातर टाइम फुल टाइम वर्किंग एम्प्लॉय वर्किंग वुमन रही हूँ, मतलब सारे वर्किंग वुमेन है, इवन दोज हु आर मैनेजिंग होम्स दे आर वर्किंग मोर आई बिलीव। बट क्या होता है कि फुल टाइम होम मेकर होने के मतलब जब थे तब ऐसा लगता था कि नहीं मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, प्रोडक्ट करना चाहिए जिसमें एक मॉनेटरी मतलब कुछ अर्निंग्स भी हो, प्लस एक मेरा आइडेंटिटी तैयार हो कि मैं ये हूँ। आई एम नॉट जस्ट समबडीज वाइफ, आई एम नॉट जस्ट समबडीज मदर और समबडीज डॉटर, बट आई एम समबडी बाय दिस प्रोफेशन। आई हैव सम नॉलेज एंड आई कैन यूटिलाइज माई नॉलेज इन दिस वे, आई कैन चैनलाइज माई नॉलेज इन अ मोर प्रोडक्टिव वे, विच कैन ऑल्सो एड टू दी वॉट आई से टू द इकोनॉमिक, मतलब एक GDP में भी जाके अगर मैं कुछ अर्न कर रही हूँ, कुछ रेवेन्यू अर्न कर रही हूँ, सो दैट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द GDP। अगर माइक्रो लेवल में सोचे तो, या मैक्रो लेवल में सोचे ऐसे। ऑल राइट। आनंदिता, आपकी बुक जो साड़ी फैक्ट्स के ऊपर है, साड़ी के बारे में है, हमारे साड़ी लवर्स को आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने बहुत रिसर्च की है इस फील्ड में और फिर आप इस बिजनेस में भी उतरे, आपने बुक भी इस बारे में लिखी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप बताना चाहेंगे जो हमें पता ही नहीं है, शायद हम इतना पसंद करते हैं इस साड़ी को, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एक्चुअली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या होगा वो तो लोगों पर डिपेंड करता है, मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगता है मैं आपको बताती हूँ। हाँ, एक तो है ये पता है सबको लेकिन शायद रियलाइज नहीं होता है।
देखिए, सस्टेनेबिलिटी इज अ बज वर्ड, ठीक है। आप जहां भी जाइए, अभी आज के डेट में सब लोग सस्टेनेबल बिजनेस के बारे में बोलते हैं, सस्टेनेबल फूड कल्चर बोलते हैं, सब कुछ सस्टेनेबिलिटी के बारे में बोलते हैं, अगर सस्टेनेबल इकोनॉमी के बारे में बोलते हैं। तो अगर मैं सस्टेनेबल फैशन के बारे में बोलूँ, तो साड़ी इज द क्विंटेसेंशियल ऑफ दैट सस्टेनेबल फैशन। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने से लेकर के आज के हाँ डेट में वो उतना ही सबका फेवरेट है, फैशन है, मतलब आउट ऑफ फैशन तो बिल्कुल ही नहीं गया है, ठीक जी है। और नॉट ओनली दैट, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियंस जो एनआरआईज या ओसीआईज रहते हैं वही लोग साड़ी की डिमांड करते, क्योंकि एक्सपोर्ट भी बहुत होता है। इवन लॉट ऑफ फॉरेन नेशनल्स, दे आर ऑल्सो यू नो गेटिंग इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस फैशन। आप देखेंगे बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में भी अपने इंडियन एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस जाती है, वो साड़ीज को बहुत ज्यादा वहां पे प्रमोट करती हैं, और इसके चलते साड़ी को लोग बहुत पसंद भी करते हैं। सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इट इज देयर। सो मुझे तो ये इंटरेस्टिंग बहुत लगता है कि ये एक ऐसा मतलब सस्टेनेबल फैशन प्रोडक्ट है, ये कभी पुराना नहीं होता है। और मतलब इसकी जब लोग सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं कभी कभी, है ना, जस्ट जिसमें रीयूज करना, रीसाइकल करना, तो साड़ी क्या होता है, इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एज एन एयरलूम। अगर आपकी साड़ी की फैब्रिक उतनी अच्छी नहीं रहती है किसी कारण से, मतलब आप को समझो आपके दादी परदादी से कोई साड़ी मिली है, साड़ी का काम बहुत अच्छा है, वीविंग बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा फैब्रिक थोड़ा पुराना हो गया, सो व्हाट वी कैन डू, वी अपसाइकल इनटू सम अदर गारमेंट, और मे बी हम उसको कोई होम डेकोर में यूज कर लेते हैं, क्विल्ट्स बनाते हैं या फिर कार्पेट्स बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी मेक आउट ऑफ साड़ी, इज बेसिकली फैब्रिक, एंड इट यूजुअली डू नॉट गो टू द लैंडफिल डायरेक्टली एज कम्पेयर टू द फास्ट फैशन प्रोडक्ट्स। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी, एंड डेफिनेटली इट हैज गॉट अ वेरी गुड, मतलब जैसे कि जो सोच के हम बिजनेस पे आए थे, क्योंकि ये कभी पुराना नहीं होता। तो अगर कोई ये बिजनेस करना चाहे अच्छे से, अगर सोच समझ के आप मतलब थोड़ा सा अपना बैकअप लेके चले, तो ये अच्छा चलेगा। इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ सस्टेनेबल बिजनेस ऑप्शन ऑल्सो। एब्सोल्युटली सेकेंडली, हाँ, मुझे एक और चीज थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, विच मे बी यू आर अवेयर, और मे बी सम ऑफ माई रीडर्स मे नॉट बी अवेयर। आई विल टॉक अबाउट समथिंग लाइक, वी डू नो, वी आर वेरी लाइक इन मोस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटीज, वी आर वेरी हश हश अबाउट द मेंस्ट्रुअल हेल्थ और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन इन देयर, इन सम पार्ट्स ऑफ साउथर्न साउथ इंडिया, दिस व्हेन अ यंग गर्ल हिट्स प्यूबर्टी और शी गेट्स अ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, दिस इज सेलिब्रेटेड यस सेलिब्रेटेड और उसको गिफ्ट्स मिलते हैं, साड़ीज मिलती है, शी इज इंट्रोड्यूस्ड टू साड़ीज। इसको हाफ साड़ी सेरेमनी बोला जाता है। तो मुझे पहले नहीं पता था, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि बहुत जगह में इसके बारे में खुल के नहीं बात करते, लेकिन कहीं के कोई मतलब कई सोसाइटीज में इसको सेलिब्रेट सेलिब्रेट करते किया जाता है, हाँ उसको साड़ी दिया जाता है, रिलेटिव्स को बुलाते हैं या नेबर्स को बुलाते हैं, और उसको गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट के तौर पे उसको श्रृंगार की चीजें और साड़ी मिलती है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये चीजें हैं, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मैं कहूंगी अपने रीडर्स को बुक पढ़ने के लिए, और प्लीज मुझे रिव्यू। मैं खुद भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारी ऑडियंस को जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अगर आप कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं साड़ी को लेकर के, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपको वो चीज पता हो लेकिन बहुत लोगों को ना पता हो, तो हमें भी वो चीज पता चलेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर जुड़िए, और साड़ी को लेकर के आप क्या फील करते हैं, इसके साथ में आप क्या फैक्ट शेयर करना चाहते हैं, वो भी प्लीज शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हुए आनंदिता, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर हम बात करें, तो एक वुमेन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में जाना, एक बिजनेस खोलना, हमने बात की चैलेंजेस की कि क्या क्या चैलेंज आते हैं। जैसे आपने बताया कि एक पितृसत्तात्मक एक संरचना है हमारे पूरी इंडिया की, जिसमें कि मेन को पावरफुल ज्यादा माना जाता है या फिर उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक वुमेन एक हमेशा बैक साइड में या एक असिस्टेंट के रूप में काम करती रही है, हालांकि अभी चेंज हो रहा है, बट मैं रही है वो हिस्ट्री में बात करूंगी इस बारे में। कितना चेंज आ गया है अभी वुमेन के काम को लेकर के, या उसके कॉन्फिडेंस को लेकर, या मेन का भी सपोर्ट काफी ज्यादा हो गया है, सोसाइटी में चेंज कहीं ना कहीं आया है। आप अपने नजरिए से प्लीज बताइए, आप पहले का समय और आज का समय कितना डिफरेंस फील करते हैं आप? देखिए, पहले का समय में बहुत कुछ बदला है, बिकॉज लॉट ऑफ वीमन आर एक्चुअली कमिंग फॉरवर्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। फिर भी उनको चैलेंजेस, सोसाइटल चैलेंजेस और
बाहर भी चैलेंजेस मिलते हैं, जैसे कि बहुत घरों में अभी भी सुनने पड़ता है कि आपको क्या जरूरत है काम करने की, थोड़ा सा भी अगर फेलियर हो जाए तो उसको फिर वही बोल दिया जाता, तुम तो नहीं कर पाई, पहले भी नहीं कर पाई हो, अभी आगे नहीं कर पाओगे, भी रुक जाओ। अगर एक बार कोई इनिशियली हेल्प कर भी दे, मतलब घर में थोड़ा सपोर्ट मिल भी जाए, तो मुझे लगता है अभी भी वो फुल फ्लेजेड, मतलब वो एक सोसाइटल कंडीशनिंग की अभी भी बहुत जरूरत है कि जी फेलियर इज अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी, और अगर कहीं फेल होते हो तो उसको रोकना नहीं है, ये कुछ दिन बाद आप फिर से उसको एक थ्रस्ट देना है कि चलो आगे बढ़ना है। तो ये एक होता है कि क्या जरूरत है, और जेंडर बायस तो है ही, अगर ये कोई जैसे कि बोला पेट्रियार्कल सोसाइटी, अगर एक कोई मेल काउंटर पार्ट ऐसा अगर करता तो एक बार वो फेल होने के बाद वो दोबारा करता, तीसरी बार करता, तो शायद उतने केस में यूजुअली अभी भी आते हैं। फिर उसके लिए बहुत हेडस्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरा ये कि क्रेडिबिलिटी इश्यूज आते ही हैं, क्योंकि इनिशियली अभी वीमेन हैव स्टार्टेड अर्निंग, बट जैसे अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो दे अगेन हैव टू, मतलब बैंक में जाके डायरेक्टली उनको लोन्स उस हिसाब से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वही वो लोग भी क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे। तो देन हाँ वी हैव टू फॉल बैक ऑन आर फैमिली मेंबर्स, अगेन वो मेल यस काउंटर पे पास को जाके पूछना पड़ेगा। हाँ, फिर वही सवाल जवाब है कि तुम कितना कर पाओगे, या तो तुमको घर में क्रेडिबिलिटी इश्यूज आएंगे, नहीं तो बाहर आएंगे। तो ये चैलेंजेस अभी भी है, बट हाँ बहुत हद तक अभी हो रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, जो हम लोग एमएसएमईज बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऐसे सेक्टर में औरतें अभी बहुत आई हैं पहले के मुकाबले, तो मुझे यही चेंज लगता है अभी। ओके आनंदिता, अगर कोई पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर दोनों में से कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर शुरू करना चाहता है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, उन्हें आप इनिशियली क्या एडवाइस देंगी? इनिशियली उनको क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए? देखिए, रिसर्च एक करना बहुत जरूरी है। और रिसर्च करके मतलब वो एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म गोल भी बना के रखना चाहिए कि मैं इतने दिनों में क्या, मतलब कितना अपना एक सेल्स का टर्नओवर रखूंगा या रखूंगी, क्या ब्रांडिंग करूंगी। तो वो एक ओवरऑल एक प्रोसेस होता है, तो वो मैं इस जगह इतने, मतलब छोटे, मतलब इतने छोटा नहीं बोलना चाहिए, इतने छोटे समय में, कम समय में शायद मैं इतना कुछ नहीं बोल पाऊंगी, बट दैट हैज अ लॉन्गर प्रोसीजर्स, ठीक है, एक ओवरऑल एक प्रोसेस रहता है। बट हाँ, एक मेंटल सेटअप रखना बहुत जरूरी है कि मैं ये करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, तो उसके लिए एक रिसर्च पहले से शुरू करना है, एटलीस्ट 3 से 4 या 6 महीने पहले से उसको रिसर्च करना है, थोड़ा मार्केट को जैसे एक्सप्लोर करना है कि जी आपको इनपुट कहाँ से लेने हैं और आपको चीजें सेल ऑफ कहाँ करने हैं, तो व्हाट आर योर एंड हु आर योर एंड यूजर्स, तो उनके हिसाब से वो थोड़ा प्लानिंग करना जरूरी है। फिर उसके लिए आपको कैपिटल कितना लगेगा, वो आपके पास अभी कितना है, वो सब सोच के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और जरूरत पड़े तो, जरूरत तो पड़ता ही है, रेलिवेंट कम्युनिटी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी विल ऑल्सो नो द जर्नी ऑफ अदर्स हु आर ऑलरेडी ऑन दिस पाथ जी एंड वो लोग कैसे कर रहे हैं। तो कभी कुछ डाउट्स रहेगा और कुछ आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, यू कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन सम ऑफ दोस कम्युनिटी मेंबर्स, सो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके, आई एम श्योर जो लोग अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करने वाले हैं उन्हें ये टिप्स बहुत काम आएंगे और काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए। आनंदिता, आप अपनी बुक्स के थ्रू, अपनी राइटिंग के थ्रू किस तरह का चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो सोसाइटी में? अभी तो मैंने, तो देखिए मैं डिफरेंट जॉनर्स के बुक मतलब लिख रही हूँ, अभी तो 2 साड़ीज के ऊपर लिखे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि जो पर्टिकुलरली जो मेरी साड़ी के ऊपर जो एंटरप्रेन्योरियल बुक है, वो थोड़ा लोगों को, रीडर्स को हेल्प करेगा, थोड़ा सा मोटिवेट करेगा कि वो लोग भी कुछ ऐसे अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने पसंद के काम के हिसाब से अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में कुछ करे। हाँ, और क्या कहते हैं, और जो दूसरी, जो फर्स्ट मेरी बुक है, वो तो बेसिकली एक नॉन फिक्शन बुक है, अगर रिसर्च के तौर पे वो किसी किसी को हेल्प आ सकती है। आई विल नॉट से इट्स अ वेरी बिग रिसर्च बुक, मतलब मैं कोई टेक्सटाइल्स इन बैकग्राउंड से नहीं हूँ कि मैं बहुत उसके बारे में बताऊंगी बेसिकली, बट देन यू स्टिल हैव दैट आइडिया, अगर आपको इसमें से एक आइडिया मिलता है, देन यू विल गो बैक टू दैट रेलिवेंट बुक, ठीक है, आपको कौन सा रिसर्च करना है। तो ये एक आपका
फर्स्ट स्टेप होगा, उसके बाद अब आगे के और आपको जो बड़े लेखक या बड़े कोई मतलब जो इंडस्ट्री इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट है उनसे आपको कुछ अगर सजेशन लेना था उनसे ले सकते हैं, ठीक है। जी और मैं ये चाहती हूँ कि लोगों के साथ मैं बेसिकली अपनी कुछ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस उसको शेयर कर मतलब लोगों के साथ रीडर्स के साथ शेयर करती हूँ, तो हो सकता है कि आइदर पीपल विल अग्री विद मी और इफ दे डू नॉट अग्री दे विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट दे कैन शेयर एंड देन दैट विल अगेन गिव अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फिर उसके बारे में फिर हम सोचने लगेंगे ऐसे, ठीक है। तो मैं एक पॉजिटिव इसके बारे में हूँ कि एक पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा लोगों एब्सोल्युटली में। एब्सोल्युटली। सो नाउ आनंदिता, अब हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ आ गए हैं और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ, क्विकली आपको उसका क्विकली आंसर देना है। सो आप तैयार हैं इसके लिए? ठीक जी है। जी सो मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके लिए सच्ची खुशी कहाँ है? हाँ सच्ची खुशी कहाँ है? खुद खुद के साथ समय बिता के अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं? मैं ये नहीं बोल रही बहुत मॉनेटरी कुछ होना चाहिए, दूसरे जगह देख के दूसरों को देख के कुछ ऐसा करा, अपने को जो अच्छा लगे वो एकदम आप अकेले हो और उस टाइम में आपको जो अच्छा लगे वो ही आपके लिए असली खुशी है। जैसे मेरे लिए, मुझे लगता है मैं सोचती बहुत हूँ, मैं वो मेरे लिए खुशी की बात है। ओके, अगला सवाल है तो मेरा। आई ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी ऑफ ओवर, तो मैं उसको चैनलाइज करती हूँ लिखकर। ओके, आपके लिए जिंदगी की सफलता कब है? वो भी वही है, जब मैं खुश हूँ वो भी एक दिस दैट्स अ पार्ट ऑफ माय सक्सेस ओनली, व्हेन आई एम हैप्पी दैट इनर हैप्पीनेस इज द पार्ट ऑफ सक्सेस ओनली, ठीक है। और बाकी तो ओवरऑल इस जर्नी सक्सेस इज बेसिकली इट्स इट्स क्या कहूँ, इट्स अ रिलेटिव टर्म, ठीक है। तो मेरे लिए यही है कि जब मैं खुश हूँ और वो वही मेरे लिए सक्सेस है, अच्छे से जिंदगी जीना वो मकसद है, यही है। अगला सवाल, अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कीजिए। ओके, आई एम इंक्विजिटिव। ओके, आपने स्टार्टिंग में बता दिया था ये। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? इतना ऐसे लंबा को ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, आगे और बुक्स लिखने का सोच रहे हैं, और मेरा जो एक मैंने बताया था अभी बिजनेस का कुछ मेरे को उसको रिवाइव करने का कुछ काम चल रहा है, सो दैट्स आल्सो अ प्रोजेक्ट, वो बहुत अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली अगेन आई विल शेयर दैट स्टोरी ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। सो या अभी मेरा इमीडिएट मेरा शॉर्ट टर्म में ये दो प्रोजेक्ट्स है। ओके, सो आनंदिता, ये सवाल यहीं फिनिश होते हैं, ये सेगमेंट यहीं फिनिश होता है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी दोनों बुक्स के लिए कैसा फीडबैक आपको मिल रहा है, कैसा आपको रिव्यूज मिल रहे हैं आपके रीडर्स के थ्रू? जी, पहली बुक के लिए तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि एक बिजनेस मर्चेंट ने रिव्यू दिया है कि इट्स अ वेरी गुड हैंड बुक, तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब आई एम सो इलेटेड कि ये किसी को काम आया, और मुझे और भी उसमें अच्छे अच्छे रिव्यूज मिले हैं उस बुक में, बाकी जिन्होंने भी मुझे अच्छे रिव्यूज दिए, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम दैट दे टुक टाइम टू रीड दिस बुक एंड दे गेव रिव्यूज, दे गेव द ऑनेस्ट रिव्यूज। और सेकेंड बुक तो अभी आई है, उसमें भी अच्छी रिव्यू आई है, एक रीडर ने लिखा है कि ये बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन की गई है इस कहानी की, और जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाया गया है, तो आई एम क्वाइट हैप्पी, सो आई विल बी हैप्पी टू सी मोर रिव्यूज एंड मोर रीडर्स कमिंग अलोंग और मोर अनंदिता, पर्सपेक्टिव्स। एनी कॉन्टेक्ट डिटेल जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? जी, मैं अपने लिंक्डइन आईडी और इंस्टाग्राम आईडी में मैं लोगों से जुड़ना चाहूंगी, पीपल कैन डीएम मी देयर, सो दैट विल बी शेयर्ड आई थिंक ऑन द स्क्रीन। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप अनंदिता से जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इनसे कनेक्ट होने की कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप वहां से इसको नोट कर लीजिए और आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, पर्सनली इनसे बातचीत कर सकते हैं। आनंदिता, अगर आज हम आपकी बुक परचेस करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट मिल सकता है हमें इस बुक पर? जी बिल्कुल, मैं 10% डिस्काउंट देना चाहूंगी मेरे दोनों बुक्स पर। ओके,
सो फ्रेंड्स, अगर अनिंदा की बुक आप परचेस करते हैं अभी फर्स्ट 24 आवर्स में, तो दोनों बुक्स पर 10% का डिस्काउंट है एमआरपी पे। सो इस बुक को खरीदने की जो अपॉर्चुनिटी है उसको बिल्कुल मत खोइए, क्योंकि इस पर डिस्काउंट हमने लगा दिया है। इस बुक की फिजिकल कॉपी आप खरीदिए, आई एम श्योर आपको ये बुक बहुत पसंद आने वाली है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा साड़ी के बारे में, इसकी सोशल जो स्टेटस है उसके बारे में, साथ साथ में जो फिक्शन बुक है उसके बारे में भी, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। सो प्लीज़ बुक्स बुक्स को ज़रूर पढ़िएगा, अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाइएगा, इस बुक के रिव्यूज़ देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आनंदिता, एनी मैसेज फॉर आर बडिंग ऑथर्स जिन्हें आप कुछ कहना चाहें? जी, बडिंग ऑथर्स को मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना कुछ नॉलेज या कुछ इन्फॉर्मेशन रीडर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, और उन्होंने जो ये डिसाइड किया वो पब्लिश करेंगे, एक पब्लिश्ड ऑथर बनेंगे, उसके लिए दैट थॉट इटसेल्फ इज कमेंडेबल, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। सेकेंडली, आप भी एक ऑन्ट्रप्रोनरी है, ऑथरप्रोनियर बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें भी वही चीज है कि आपको एक लॉन्ग टर्म गोल, एक शॉर्ट टर्म गोल बना के रखना चाहिए कि मैं पिछले चार मत सॉरी अगले 4 महीने में या 5 महीने में जाके अपनी बुक पब्लिश करूंगा या करूंगी। उस हिसाब से आपको कितना लिखना है, तो हर डे का आपके हिसाब उस हिसाब से आपको एक एक टारगेट बना के रखना चाहिए, सो दैट यू गेट दैट कॉन्सिस्टेंसी। एंड एज आई सेड, इफ रिक्वायर्ड, ज्वाइन सम रेलिवेंट कम्युनिटीज। मैंने जब ये डिसाइड किया था कि मैं पब्लिश्ड ऑथर बनूंगी, तब ये अध्ययन बुक्स का एक 21 डेज राइटिंग चैलेंज था, वो एक कम्युनिटी था, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। दोज हु आर स्टिल एक्सप्लोरिंग, तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना चाहिए, सो दैट यू गेट दैट कंसिस्टेंसी एंड ऑफ कोर्स दैट सपोर्ट। समटाइम्स यू नीड मॉरल सपोर्ट आल्सो, क्योंकि सारे दिन आपके अच्छे उसे नहीं जाते कि आप लिख नहीं पाते, तो आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए आसपास के जी, लोगों से, तो बहुत एक पुश इंपॉर्टेंट होता है, या बिल्कुल कुछ चाहिए होता है। तो मैं यही कहूंगी कि ज्वाइन अ कम्युनिटी, बिल्ड अ कंसिस्टेंसी, हैव सम रियलिस्टिक गोल्स एंड वर्क अकॉर्डिंगली। ऑल राइट। आनंदिता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ बताया आज आपने और बहुत अच्छे से आपने डिस्कशन की अपनी दोनों बुक्स को लेकर। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने ऑडियंस से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज मेरी बुक्स को पढ़िए और रिव्यूज दीजिए। आप जहां से भी खरीद रहे हैं, अगर अमेजन से ले रहे हैं या फ्लिपकार्ट से ले रहे हैं, वहां पर आप रिव्यू सेक्शन में ऑनेस्ट रिव्यूज दीजिए। अगर कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करना है, आप जैसे कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स शेयर किए गए, आप वहां पर भी मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, सो दैट वी कैन शेयर आर पर्सपेक्टिव्स, और मे बी आई कैन थिंक अबाउट इट एंड इन गोइंग फॉरवर्ड आइदर आई कैन एडिट इट और डू समथिंग अबाउट इट। या थैंक यू सो आनंदिता, मच। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया आनंदिता के साथ। बहुत कुछ जानने को मिला आज, बहुत मजा आया इनसे बात करके, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, और साथ साथ में साड़ीज के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें बताए आनंदिता ने। सो मिलते हैं आपसे दोबारा, एक और नई बुक के बारे में चर्चा करेंगे, एक और नया डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।